काशिम ने ग्रामीण अस्पताल परिसर में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन कर दिव्यांगों की सहायता के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत शुभारंभ विधायक आशीष जायसवाल की उपस्थिति में जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे के हाथों किया गया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष प्रतिभा कुंभलकर, जिला परिषद सदस्य अर्चना भोयर, तालुका आरोग्य अधिकारी प्रशांत वाघ, ग्रामीण अस्पताल अधीक्षक गजानन वाघ, गट विकास अधिकारी सुभाष यादव और मान्यवर उपस्थित थे। इस शिविर में दिव्यांगों की जांच कर उन्हें मुफ्त साधन वितरित किए गए, जिसमें ADIP योजना के तहत शैक्षणिक संचित दिव्यांगों को श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कैलिपर्स, स्मार्टफोन, संडास चेयर, कुबड़ी 3 पहिया वाली चेयर, बैटरी वाली ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अवयव, स्मार्ट केन जैसे साधन मुफ्त में वितरित किए गए। करीबन इस शिविर में इस पास पड़ोस दूर दराज ग्रामीण इलाकों से 600 दिव्यांगों ने पहले दिन इस शिविर का लाभ लिया। पंचायत समिति गट विकास अधिकारी सुभाष यादव और उनकी पूरी टीम ने यहाँ आने वालों दिव्यांग नागरिकों के लिए उचित व्यवस्था की थी, जहाँ रामटेक के विधायक आशीष जायसवाल द्वारा यहाँ आने वाले दिव्यांगों और परिजनों के लिए भोजन, पीने का ठंडा पानी, आने जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था विधायक आशीष जायसवाल द्वारा निशुल्क तौर पर की गई थी। वहीं फोटो, जेरोक्स, कंप्यूटर इन दिव्यांगों की सेवा में निशुल्क उपलब्ध किया गया था, जहां भारी संख्या में शिव सैनिक दिव्यांगों की सेवा में कार्यरत थे, जिसमें गौरव पनवेलकर, नगर सेवक दीपक शिवरकर, राहुल ढगे, रोशन पिंपरा मुले, टीकाराम परते की और सरकारी महिला कर्मचारियों मुनेश दुपारे ने भी शिविर में अपना योगदान दिया। त्या ग्रामीण भागातील दिव्यांग इसमांना बऱ्याचशा समस्यांना तोंड द्यावं लागतं। घरातील प्रौढ व्यक्ती आणि त्यातल्या त्यात तो दिव्यांग, अशा दिव्यांगांना आपण समाज कल्याण विभागांतर्गत जिल्हा परिषदच्या मार्फत बऱ्याचशा, त्यामध्ये चष्मा असेल, दाताचा साचा सुद्धा आपण ठेवलेला आहे, शौचाला बसणारी खुर्ची सुद्धा आपण याच्यामध्ये ठेवलेली आहे, कुपड्या आहे, असे विविध साहित्य याच्यामध्ये वाटप केलेले आहे। आणि याच्यामध्ये विदाऊट अटी शर्ती, म्हणजे एकही अटी शर्त नाही, फक्त तो 60 वर्ष वयोगटातील वर्ध हवा आणि 40% त्यांच्याकडे प्रमाणपत्र असायला हवं, अशा प्रकारच्या दिव्यांगांना विविध साहित्य वाटपाचा कार्यक्रम जिल्हा अंतर्गत समाज कल्याण 5% सेस फंडामध्ये 45 लक्षाची आपण तरतूद केलेली आहे। आणि याच्यामध्ये याआधीही 30 लक्ष जे दिव्यांगांना जे प्रमाणपत्र वाटपाचा तालुक्यावाईज आपण जो कार्यक्रम केला, त्यामध्ये 30 लक्षाची तरतूद केलेली होती। पारशिवनी से BCN न्यूज के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।